हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको अंडे की बर्फी या अंडे की लॉज या इसे अंडे का हलवा भी कह सकते हैं, वो बनाने जा रही हूं। उसके लिए मैंने 4 अंडा लिया है और 250 ग्राम चीनी लिया है। 4 अंडे में 250 ग्राम चीनी ही चाहिए। अगर आप अंडे को बढ़ा रही हैं तो उस हिसाब से चीनी भी आपको बढ़ाना है। जैसे अगर 8 है तो आपको आधा किलो चीनी चाहिए होगी। फिर मैंने एक कटोरी घी लिया है या 2-3 बड़े चम्मच मैंने घी लिया है, आधा गिलास दूध, हरी इलायची या छोटी इलायची 3 लिया है मैंने, उसे कूट लिया है। मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आपके पास जो जो भी रंग है चाहे तो आप इसमें येलो कलर भी डाल सकते हैं, और आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ड्राई फ्रूट मैंने लिया है, इसमें मैंने बादाम को इस तरह से भिगा के रखा था रात भर, फिर से काट लिया है, और मैंने किशमिश ली है। चारों अंडों को मैंने तोड़ लिया है, अब इस चीनी में इसे मिक्स करेंगे। इसमें घी डालेंगे, दूध डालेंगे, तरसे से चीनी के घुल जाने तक फेटेंगे। हरी इलायची भी डाल देंगे इसमें। और ये फूड कलर भी इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसे एक साइड रखेंगे और एक प्लेट लेंगे स्टील की, इसमें घी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से इसमें घी लगा लेंगे। जब हमारा अंडा का हलवा तैयार हो जाएगा तो हमें इसमें रख करके उसकी बर्फी बनानी है, तो उस टाइम हमारे पास उसके ठंडा होने से पहले ही हमें इसमें डालना होगा और काटना होगा, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो हमें पहले से इसमें से लगा के रख लेना है। एक कढ़ाई में इसे रखेंगे, गैस अभी ऑन नहीं करेंगे। कढ़ाई में रखने के बाद से गैस ऑन करना है और गैस ऑन करने के बाद से हमें इसे लगातार चलाते रहना है। अगर मेरा हाथ रुक जाएगा तो फिर ये इसमें बिल्कुल छोटे छोटे लम्स से आ जाएंगे और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये हलवा जैसा नहीं बन पाएगा। इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। इसे हर तरफ से हिलाते हुए बनाना है।
इसमें उबाल आने लग गया है, इसी तरह चलाते रहना है। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत तेज फ्लेम होगा तो ये उबलने लगेगा, इसे लगातार चलाते रहना है, हाथ को रोकना नहीं है। किनारे में जो जम गया है उसे बीच में करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। देखिए ये गाढ़ा होने लग गया है। इसे हलवा बना, अंडे का हलवा बनाते वक्त ये बहुत इसमें से उछलता है हलवा, और वो काफ़ी जलने का भी डर रहता है, तो आप ध्यान से इसे भुने, चाहे तो कुछ कपड़ा हाथ में लपेट लें या ग्लव्स पहन लें। किसी भी हलवे के बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कढ़ाई थोड़ी भारी और मोटे तले की हो, तो ये वो बहुत अच्छी तरह से बनता है और जलता नहीं है, ना ही चिपकता है जल्दी। अगर आपको घी के लिए कंफ्यूजन है तो घी आप 100 ग्राम डालिए, सही रहेगा। और अगर चाहें तो सर्विंग स्पून से आप 3 सर्विंग स्पून घी डाल सकते हैं, या 100 ग्राम घी, या एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी घी। इसी तरह से भूनते जाना है, इसे तब तक भूनना है जब तक सारा हलवा एक जगह इकट्ठा लड्डू की तरह ना होने लग जाए, तब तक इसे भूनते रहना है। आप इसका हलवा खाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से, इतना ही गीला हो तो आप इसे उतार लीजिए, लेकिन अगर इसको आप बर्फी की शक्ल देनी है तो इसे अभी और भूनना होगा। अंडे की बर्फी में एक बात और ध्यान रखने का है कि अगर ये बहुत ज़्यादा भुन जाता है तो भी इसकी बर्फी नहीं बनती, और अगर कम भुनता है तो भी इसकी बर्फी नहीं बन पाती है। अभी खट्टी होने लग गई है, अब ये बर्फी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। देखिए अब इसे प्लेट में निकाल देंगे। सारी कढ़ाई इसने छोड़ दी है, ये सब इकट्ठा होने लग गया, अब ये तैयार है। ने घी भी छोड़ दिया है, बिल्कुल इकट्ठा होने लग गया, अब ये तैयार है। प्लेट में निकाल के इसे इस तरह से फैलाएंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे,
अब इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक काट लीजिए। इसे काट के ठंडा होने तक के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसकी बर्फी इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी अंडे की लॉस तैयार है या अंडे की बर्फी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।